हेलो एवरीवन, आज भी एक नया इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ड्रॉ करने वाले हैं जो कि बेसिक शेप से ही बनाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कल से ही। सर्कल कंप्लीट किया, सॉफ्ट हैंड। और सेम जो सर्कल है हम यहाँ पे भी बनाने वाले हैं, ये हमारा सर्कल कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा इधर उधर होगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम इसको मार्कर से फिर बनाने वाले हैं। और ये करने के बाद फिर जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था ओवल का, ओवल हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। और यहाँ से लगे हुए इसको नीचे की तरफ लेके जाओ ऐसे, और इसको सेम हम नीचे जाके फिर इसको ऐसे मूव कर लेंगे, ये ऐसे। इसको भी नीचे ले जाके फिर हम लोगों ने यहाँ पर मिला दिया। और ये करने के बाद अब मैं बता दूँ कि ये जो है एक आय है, एक दूसरा आय है, और यहाँ पे कुछ जगह छोड़ो दोनों जगह, और फिर इतने पोर्शन को हम डार्क करने वाले हैं ये। फिर अब ये बनाने के बाद एक और सर्किल हम बनाने वाले हैं। सर्किल जो होगा कुछ इतना बड़ा होने वाला है, तो ये सर्किल को हम कुछ इस तरह से बनाने वाले, और ये बनाने के बाद फिर इसका जो नीचे का पोर्शन है ऐसे, और कुछ ऐसे करने वाले। तो ये हमारा बन चुका है एक ऐसे, फिर इसको अंदर एक और सर्किल, फिर अंदर सर्किल। मल्टीपल लाइंस आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें मार्कर यूज़ करना है, और मार्कर यूज़ करने के बाद फिर हम पेंसिल को इरेज कर देंगे। तो बिल्कुल ही सॉफ्ट, अंदर के दो बॉल छोड़ के ये यहाँ से रेस कर लिए, बिल्कुल सॉफ्ट। ये कंप्लीट हुआ। और इसके बाद ना फिर बाहर से इसको ऐसे, और ये ऐसे मिला देंगे। और ये कंप्लीट होने के लिए फिर थोड़ा सा इसका थिकनेस देंगे, ये हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और इसमें हम कलर भी करेंगे, तो कलर करने के लिए सबसे पहले इसके फेस को, और वैसे हम लोगों ने बाउंड्री तो बना दिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे चाहें इसको फिल कर सकते हैं। फिर इसको नीचे की तरफ से मिक्स कर लेना,
और इसमें जैसे जैसे साइड से थोड़ी सी शेडो हम डाल सकते हैं, उसके लिए हम ब्लैक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से फिर यहाँ पे भी किनारे में, और अच्छा लुक लाने के लिए, क्योंकि शेडो रीजन में आ रहा है इसलिए, और इसके अपोजिट साइड है ये, तो यहाँ पे भी थोड़ा। यहाँ पे भी आई में भी थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ से डाल दिया ये। अब ब्राउन से करने वाले हैं यहाँ पे, जैसा जैसा शेप होता है वैसे ही हमें इसको कलर भी करना होता है। जितने भी एक साइड के हैं पहले कंप्लीट कर लो। ये कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा हम शेडिंग देंगे इसमें, जैसे किनारे किनारे साइड में जैसे जैसे आता है, ये हो गया। फिर इस साइड ये वाले साइड में आप देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा जो है एक 3D इफेक्ट आ जाता है, तो जो है वो बड़े भी कर सकते हैं और बच्चे हैं, बच्चे दोनों भी कर सकते हैं, ये इसमें एक बेनिफिट होता है। लाइट डायरेक्शन से आप देख रहे हो। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा शेडो हम ऐड करना चाहते हैं, तो फिर इसका शेडो भी यहाँ पे यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो जैसा कि हमेशा हम टिश्यू पेपर से उसका शेडो भी बनाते हैं, टिश्यू पेपर को फोल्ड करके एकदम सॉफ्ट यहाँ तक किया, और यहाँ तक करने के बाद जो किनारे जहाँ पे है वहाँ पे हम डार्क ही करते हैं। ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया, तो मिलते हैं एक और एपिसोड में। थैंक यू।